चिकू चला घूमी करने कैसे? और किसकी कार में चलेंगे? नानू कार पे। नानू की कार पे घूमी करने जा रहे हैं भाई हम। बाय बाय। चिकू कहाँ चल रहे हैं? घूमी करने चल रहे हैं। ओके कैंपिंग करेंगे। चिकू कैरावैन का वेट करते करते स्लाइड पे जाना उसको। और हम हैं रेडी कुर्क के लिए। शशांक गाड़ी लेके आ गए हैं पार्किंग से, तो अब निकलते हैं भाइयों कुर्क। पूर्वा हाईलैंड से हमारी रवानगी, और आज गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी शशांक ने खुद ली है भाई। तो आज मैं बैठा हुआ रहूँगा, मज़े लूँगा और शशांक गाड़ी चलाएंगे। तो बोल गिरिराज महाराज की जय। की जय। लवाल अप कर दे भाई। तो डीजल भरवा लिया हमने 4300। हम आ गए जी मैसूर रोड पे। Guys, we are 2 hours away from our destination in Cork. As you can see here, we are 46 kilometers from Nagarhol and 51 kilometers from Kaveri Nisargadhama and 81 from Iruku Falls and 122 from Talakaveri. All four of these are basically on our target list to cover this trip, and we're just waiting for the girls to come back. They've just went for the washrooms. Once they're back, we'll resume our journey. कुर्क के रास्ते में ही दो फॉरेस्ट एरिया पड़ते हैं। एक ही रोड पे है, लेफ्ट साइड में राजीव गांधी नेशनल पार्क है और दूसरा राइट में होता है नागर वैली टाइगर रिजर्व, जहाँ यहाँ पे एलिफेंट्स रोड पे आ जाते हैं, टाइगर्स वगैरह लेपर्ड ये हैं। हालांकि देखते हैं हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मुझे पता है कि हम इतने लकी नहीं हैं, परंतु ये फॉरेस्ट मुर्गी है ना? मंकी आ गया। चिकन है। चिकन
दोस्तों आपने कभी इसको देखा है, इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली हम तो बोलते हैं दीमक की बाम्बी। ये पूरे पेड़ को खा जाती है और जब पेड़ ऐसा हो जाता है तो दीमक की बाम्बी दिखती है। ये बंदर और भालुओं का प्रिय भोजन होता है, वो लकड़ी डाल डाल के पूरी दीमक खा जाते हैं, परंतु ये दीमक पेड़ों को चाट जाती है, तो इसको बोलते हैं दीमक की बाम्बी। गीता को टेंशन हो रही थी कि वहाँ जहाँ जो रुकेंगे वहाँ अगर नॉन वेज हुआ तो कैसे खाऊंगी, तो उसको सब्जी नहीं है हमारे पास। तो अभी बात ही कर रहे थे, इतने में हमें कस्बे में दिखी सब्जी की दुकान। तो मैं, चीना और चीकू उतरे और सब्जी वगैरह के लिए, तो चीना तो रुक गई सब्जी वाले के पास। वहाँ पे भावताव, मैंने कहा था भावताव कर लेना अपन, तो आजकल के बच्चे भाई भावताव वगैरह नहीं करते, ये नए बच्चे हैं। तो उसने सब्जी लेने लगी और मैं पास में ही चला गया एक बेकरी वाले के पास। वहाँ पे लोकल बिस्किट्स थे, जिसको अपन नान खटाई या क्या बोलते हैं आप लोग, वहाँ से मैंने कुछ नान खटाई वगैरह और ऐसे अलग अलग ली। वहाँ पे दो बच्चियाँ उस दुकान को चला रही थी, बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे समोसे वगैरह भी देखे, पर मुझे पता है कि साउथ वाले समोसे मेरे को तो कम से कम अच्छे नहीं लगते। तो बस इस तरीके से ख़रीदारी करके वापस चल दिए हम उधर की तरफ। हम हमारे करीब करीब होम स्टे पे पहुंच चुके थे और वहाँ पे वो जो दृश्य देखा बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई हमारे कॉटेज के बिल्कुल साथ साथ, जहाँ पे हमें जो वहाँ का केयर टेकर थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे वीक में एक दो बार एलिफेंट आ ही जाते हैं, तो का नुकसान कुछ भी नहीं पहुँचाते। तो ये हमारे कॉटेज का दृश्य है, पीछे बिल्कुल हमारे कॉटेज के साथ में हमने हमारी गाड़ी खड़ी करी। वो बिल्कुल मतलब एक उस माहौल को बड़ा मस्त कर रही थी कॉटेज, देख के इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ पे जो कॉफ़ी प्लांटेशन है वो देखा हमने, वो आप देख रहे हैं कि एक कॉफ़ी प्लांटेशन 17.5 एकड़ में है। यहाँ पे काली मिर्च की भी पैदावार होती है, वो पेड़ों पे चढ़ा दी जाती है क्योंकि काली मिर्च बेलों में लगती है। और वहाँ हरियाली देखी, उसको देख के मज़ा आ गया और आप भी उसका मज़ा लीजिए। मैं और शशांक ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अगर हमारे आज दिन अच्छा, रात अच्छी हुई और कोई एलिफेंट निकला हमारे पास से, तो शशांक अपने सारे जो फोटोग्राफी गैजेट्स है, कैमरा वगैरह, वो लेके गाड़ी में मतलब प्लान कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पे उन्होंने डाइनिंग का व्यवस्था बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ भी शोबाजी वगैरह नहीं कर रखी थी। तो ये है हम जहाँ पे होम स्टे है, मतलब वो माहौल को बहुत अच्छा बना रहा था। कोई 5-स्टार वाली कोई फैसिलिटी नहीं थी, बट अच्छा टॉयलेट था, अच्छा बेड था। बारिश का मौसम था तो जानवर वगैरह उनके लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता था, कीड़े मच्छर वगैरह के लिए, क्योंकि चीकू भी साथ था, छोटा 3.5 साल का चीकू है, उसको इन चीज़ों का थोड़ा सा हमें अवेयर थे कि भाई चीकू को कोई ऐसा कुछ नहीं, मच्छर वगैरह नहीं काट ले। तो यहीं के कॉफ़ी प्लांट
की कॉफ़ी हमारे सामने आ चुकी थी, तो उसका लुत्फ ले रहे थे और प्लान बना रहे थे कि कैसे क्या क्या करना है। गाड़ी हमारी अच्छी खड़ी थी बिल्कुल, मतलब उसका लेवल वगैरह देखा हुआ था, तो ये माहौल हमने बहुत अच्छा बना लिया था। चीकू हमारे साथ मटर गश्ती बिल्कुल कर रहा था, उसको बड़े मज़े आ रहे थे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने पहले नाइट जहाँ कुर्ग में है वहाँ पे बिताने जा रहे थे, जो रात अच्छी होने वाली थी। और ये हमारा चीकू है। चीकू पिनाक बोलो हाय। हेलो व्यूअर्स। नानू का चैनल सब्सक्राइब करना। शशांक और मैंने प्लान बनाया कि हम गाड़ी में रात को बाहर ही सोएंगे, अगर कोई हाथी आते हैं तो उनको देखेंगे। तो मैं और शशांक गाड़ी के अंदर सोने का प्लान बना चुके थे, और गीता की वजह से वो कंफर्टेबल भी थी कॉटेज के अंदर सोने के लिए, क्योंकि वो नॉन वेज वगैरह थोड़ा सा परहेज का मतलब जहाँ बनता है वहाँ पे भी नहीं रह पाती। आ जाओ चीकू। और बोलो हेलो व्यूअर्स। हाय हाय। नानू के चैनल को सब्सक्राइब करना। केयर टेकर ने हमें बताया था कि वीक में एक दो बार यहाँ पे हाथी आते हैं, तो हम बड़े एक्साइटेड थे। गीता नॉन वेज बनता है इस वजह से कॉटेज के अंदर थी, तो गीता और चीना तो अंदर थी, मैं और शशांक गाड़ी के अंदर ही सोए थे, तो हम बड़े एक्साइटेड थे।